तो रांची में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने कई ठिकानों पर छापेमारी कर बड़े पैमाने पर कैश बरामद किया है। बताते चले कि ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर के घर ईडी ने भारी नकदी जब्त की है। तो सूत्रों के मुताबिक नकदी 20 से 30 करोड़ रुपए के बीच होने का अनुमान है। फिलहाल नोट गिनने वाली मशीनें मंगाई जा रही है। तो जानकारी के अनुसार ईडी ने कुछ योजनाओं के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फरवरी 2023 में झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र के राम को गिरफ्तार किया था। मौके पर आवाज से जायजा लिया रफ्तार मीडिया के विशेष संवाददाता सौरभ रॉय ने। आज फिर एक बार कांग्रेस के बड़े नेता और कांग्रेस विधायक दल के नेता कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम साहब के घर से नोटों के पहाड़ मिले हैं। कांग्रेस को नोटों से प्यार है, तिजोरियों में भर के झारखंड और झारखंडियों के खून पसीने की कमाई इन्होंने जमा करके रखी है। 4.5 साल के अंदर झारखंड को इन्होंने लूट करके एकदम लूटखंड बना दिया है। इस लुटेरी कांग्रेस की सरकार का एक बार फिर चेहरा सामने आया है और ये साफ दिखलाता है कि चुनाव में इन धनों का गलत प्रयोग करके कांग्रेस जेएमएम और आरजेडी की सरकार जो यहाँ है वो जनमल को खरीदना चाहती है। यह पूरे घटना का और विस्तार से गहनता के साथ जांच हो और सभी नेता के यहाँ जा कर के देखा जाए तो कहीं ना कहीं सारे लोगों में कांग्रेस में बड़े पैमाने पर जो सूत्र बताते हैं जो बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग करके रखी है कांग्रेस जेएमएम और आरजेडी ने और पैसे के दम पर ही तो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। देश भर में चुनावी माहौल है और झारखंड की राजनीति में भी सरगर्मी तेज है, नामांकन का दौर भी जारी है, लेकिन इसी बीच आज हलचल तेज हो चुकी है राजनीतिक गलियारों में क्योंकि ईडी एक बार फिर से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। राजधानी रांची के समेत एक दर्जन ठिकानों पर ईडी द्वारा रेड मारी गई है, उनमें से एक है आप देख रहे हैं। इस प्रकार से इस आवास में भी रेड मारी गई थी, ईडी के अफसर यहाँ मौजूद थे, हमने आपको विजुअल के माध्यम से भी दिखाया कि इस प्रकार से ईडी के अफसर अंदर छानबीन कर रहे थे और सूचना के अनुसार ये आवास आलमगीर आलम के सचिव की है और उनके घर से लगभग 25 करोड़ कैश बरामद हुए हैं और विजुअल के माध्यम से लगातार रफ्तार मीडिया ने कोशिश की दिखाने की आपको किस प्रकार से इतनी भारी मात्रा में कैश उपलब्ध हुई है और ये आलमगीर आलम के सचिव से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो चुकी है, बयानबाजी दौर भी जारी है। लगातार ये आरोप लगाया जा रहा था कि झारखंड के मंत्रियों के घर से कैश मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हिरासत में हैं और उसी बीच ऐसे जो हो रहे हैं घटनाएं ये कहीं ना कहीं बड़ी सवाल भी खड़ी कर रही है। और आपको जानकारी के मैं बता दूं कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का भी आगमन होने जा रहा है कल और इससे पहले इतनी बड़ी रेड ईडी द्वारा ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि इतनी कैश कैसे मिल सकती है एक मंत्री के सचिव के घर से। अब देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से किस प्रकार से यहाँ पे गृह विभाग के भी अभियोजन निदेशक आए हुए हैं और लगातार ईडी के द्वारा भी रेड मारी जा रही है और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। कुछ लोग हैं मौजूद हैं, हम जुड़ेंगे इनसे भी। हाँ भैया, आपसे हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे ईडी की भी रेड मार रही थी, क्या कुछ खबरें हैं? सर अभी तो हम लोग आई भी के सर, हम तो इस पार्टी में रहते हैं तो हमको क्या पता कि यहाँ पर छापामारी हो रहा है ईडी का, हमको तो पता भी नहीं था। ये तो हम लोग सर सर का ड्राइवर हैं, जो अभी निर्देशालय के जो राजकुमार सिंह जो सर हैं उन्हीं का हम ड्राइवर हैं। हम तो अभी यहाँ तभी जाने के यहाँ ईडी की छापामारी चल रही है। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के आवास पर से ईडी को करीब इतने लगभग कैश मिले हैं और ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल भी खड़ा कर रहा है कि इतनी कैश कैसे मिल सकती है सचिव के यहाँ से और ये लगातार राजनीतिक बयानबाजी का भी कारण है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता इस पर आरोप भी लगा रहे हैं कि कांग्रेस जेएमएम एवं राजद की सरकार में से इतने भारी मात्रा में कैश भी उपलब्ध हो रहे हैं और ईडी की कार्रवाई कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर रही है चुनावी माहौल के बीच। रफ्तार मीडिया से संवाददाता सौरभ राय सहयोगी मुकेश के साथ।